नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं बूट लेके आई हूँ। ये देखो, बहुत सरल और देखो बहुत आसान तरीके से बनाए हैं। पीछे से ऐसे आएगा और आगे से ऐसे, और ऐसे इसकी स्टिचिंग वगैरह होएगी। ये देखो, जो दो दो तो 3 साल के बच्चे के लिए है। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। बहुत सरल है और बहुत जल्दी बनते हैं। मैंने वर्तमान की ऊन ली है और मैंने 10 नंबर की सिलाई में बनाया है। ये मैंने 12 फंदे डाल के एक सिलाई मैंने सीधी डाल ली। आप क्या करना, 2 3 4 5 6, 6 फंदे डाल के एक फंदा हमने बढ़ाना है। फिर एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर एक फंदा बढ़ा लिया, बाकी 6 फंदे इधर 6 फंदे इधर। उल्टी सिलाई भी हमने सीधी ही बुननी है। जो हमने वो फंदा बढ़ाया था और जो हमने एक फंदा बीच रखा उसको हमने सीधा बुनना, उल्टा बुनना, सॉरी, उधर से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा, एक फंदा उल्टा, बाकी फंदे सारे सीधे। पहले 6 फंदे थे, अब 7 फंदे हो जाएंगे। देखो ये वाला फंदा सीधा ना, इसके पहले हमने एक फंदा बढ़ाना है, सीधा बुन लिया, एक फंदा इसके बाद बढ़ाना है। फंदा ऐसे करके ऐसे डालना, आप जैसे बढ़ाना चाहते हो वैसे बढ़ा सकते हो, इससे जाली नहीं पड़ती। उल्टी सिलाई में हमने सीधी बुनने हैं। एक फंदा हमारा उल्टा आएगा। सीधी सिलाई, ये देखो सीधा आ गया। इससे पहले हमने एक फंदा बढ़ाना, ऐसे बिल्कुल ऐसे लेके ऐसे। ये बीच में सीधा आ गया, ये पोर्शन है हमारा बन रहा। इतना बना लो, फिर आपको आपको दिखाती हूँ मैं आगे। इतना बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखो, ये मैंने इतना बना लिया। ये हमारे
इधर भी 19 फंदे हो गए, इधर भी 19 फंदे हो गए, ये सेंटर है। एक सिलाई हमने सिंपल चढ़ानी है, अब फंदा नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल सिंपल। ये देखो एक मैंने सीधी उल्टी सिलाई डाल ली, अब हमने 6 फंदे पहले बुन लेंगे, 19 फंदे हमने और ये वाला फंदा जो सीधा है ना, ये वाला, ये भी हम बुन लेंगे। अब हमने क्या करना, यहाँ हमने फंदे बढ़ाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, 11 और 12, 12 फंदे हमने बढ़ा लिए। ये देखो 12 फंदे बढ़ाने के बाद ये फंदे हम इसी में छोड़ने, तो आपकी आपसे छोड़ जाए, नहीं तो आप दूसरी सिलाई में डाल लो। ये फंदे हमने थोड़े टाइट बुनने हैं, ढीले ढीले छोड़ के, क्योंकि हमने बढ़ाए हैं ना। अब हमने कुछ नहीं करना, बस इनको सीधा सीधा बुनना है। आप चाहे तो ये फंदे सुई में भी डाल सकते हो। इसी सिलाई में भी छोड़ सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, आपको जैसे सौखा लगे। हमारी सीधी सिलाई आ गई, उल्टी तरफ से सीधी और सीधी तरफ से भी सीधी, सीधी सीधी सिलाइयाँ ही हमने अब बनी। ये वाला पोर्शन हम बनाने जा रहे हैं, ऐसे दिखाती हूँ, ये वाला इतना हम बनाकर, अब ये वाला बन रहा है, इतना बनाकर आपको फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है।
ये देखो, ये एक साइड पूरी मेरी बन गई। मैंने कितनी सिलाइयाँ डाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मैंने ये डाल के अब हम इसको बंद कर देंगे। पूरे फंदे बंद हो जाएंगे। एक साइड हमारी ये बन गई, अब हमने ये वाली बनानी है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। ये वाले यहाँ से फंदे उठाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, 11, 21, 12, 12 फंदे हमने उधर डाले थे ना, 12 फंदे हमने उठा लिए। और ये वाला फंदा जो उसी सीधा, इसको भी हम एक फंदा बना लेंगे। अब इसको भी हम साथ ही बुन लेंगे। तेरह फंदे हमने उठा लिए। चौदह हमने ये वाली डाली थी इधर, 14 ही हम इधर डाल लेंगे। सीधी सीधी सिलाइयाँ, कुछ नहीं करना। इतना बना के फिर मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। इतना ये देखो, ये पूरा बन गया। ये मैंने 14 सिलाइयाँ पूरी ये भी डाल लिया। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ये भी डाल ली। अब हम इसे बंद कर देंगे।
इस तरह पूरा बंद फंदे कर देंगे। ये देखो इधर इधर से ही बंद हो गया और इधर से ही बंद हो गया। अब इसकी हमने सिलाई करनी है ऐसे, यहां से और यहां से। देखो इधर भी सी लिया, अब इधर भी यहाँ पूरा और ये भी पूरा सी के इसकी लुक कैसे आ जाएगी। इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो आप। फालतू धागे सारे काट देंगे, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। इसको 25 ग्राम ऊन लगी दोनों बूटों को बुनने के लिए। मुझे 2 तो 3 साल के बच्चे के आराम से आ जाएगा। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।